हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका कुकरी ब्लिस चैनल पे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा, और ये थोड़ा अलग पिज्ज़ा है क्योंकि इसमें मैंने चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कोई मेयोनीज का इस्तेमाल किया है। और ख़ास बात ये है कि अपीयरेंस और टेस्ट में ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें चीज़ नहीं गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिज्ज़ा का बेस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में एक कटोरी और आधी कटोरी मैदा ले लिया है। उसके बाद मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और एक बड़ा चम्मच चीनी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है फेटा हुआ दही 3 बड़ा चम्मच और 2 बड़े चम्मच घी। अब इसे मिक्स करते हुए इसका एक डो बना लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी डालेंगे। आपको इसका डो लगाने के लिए थोड़ा सा ही पानी का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इसमें दही पहले से ही है। हमें डो सॉफ्ट बनाना है, इसीलिए थोड़ा मेहनत करेंगे हम इस डो पे। इसे अच्छे से गूंदेंगे, फिर इसे एक गीले कपड़े से ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब चलिए बना लेते हैं वाइट सॉस। उसके लिए एक पैन में बटर या घी डालेंगे। उसके बाद हम इक्वल क्वांटिटी ऑफ रिफाइंड फ्लावर डालेंगे। जितना बटर लिया था उसका इक्वल क्वांटिटी फ्लावर यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। मेजरमेंट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं इसमें रिफाइंड फ्लावर धीरे धीरे करके डाल रही हूँ ताकि कोई लम्स ना रहे और सब अच्छे से मिक्स हो जाए। वैसे ये फ्लावर और बटर के मिक्सचर को हम रू कहते हैं, ROUX, रू। अब इसमें ऐड करेंगे मिल्क। ये हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मिल्क ऐड करके फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। ऐसे ही आप सारा मिल्क ऐड कर दीजिए धीरे धीरे करके। अगर आपके पास विस्कर है तो इसे विस्कर से ही मिक्स करें, और आप मिल्क के भी मेज़रमेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी वाइट सॉस रेसिपी से आप वाइट सॉस पास्ता भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स अभी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक ही रखेंगे क्योंकि हमें इसे चीज़ जैसा यूज़ करना है। ये देखिए, कुछ ऐसा कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। वाइट सॉस रेडी हो गया है। चलिए हम बना लेते हैं पिज्ज़ा सॉस। पिज्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर और गार्लिक, 2 बड़े प्याज रफली चॉप किए हुए और 4-5 टमाटर जिसको मैंने 1/4 करके रख लिया है। अब एक पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे और उसके बाद डालेंगे जिंजर गार्लिक। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब जिंजर और गार्लिक अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे रफली चॉप्ड अनियंस और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक ट्रांसलूसेंट ना हो जाए अनियंस। फिर ऐड करेंगे हम इसमें टोमेटोज और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से टोमेटोज जल्दी गल जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। टोमेटोज अच्छे से पक चुके हैं और स्किन भी बाहर आ रही है, इसका स्किन अलग कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे अच्छा कलर भी आएगा और ज़्यादा तीखा भी नहीं होगा। फिर इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर या काले मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे अलग बोल में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। अब इसमें मैं लास्ट में ऐड करूंगी केचप, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे ठंडा करने के बाद इसे पीस लेंगे मिक्सी में। पिज्ज़ा टॉपिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्न, कैप्सिकम और अनियन। अनियन और कैप्सिकम को लंबा लंबा काट लिया है। ये पिज्ज़ा मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो कढ़ाई में नमक डाल के एक स्टैंड रख देंगे। उसके बाद इसे ढक के गर्म होने देंगे 5 मिनट के लिए। चलिए अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं। अब इसे भी थोड़ी देर गूंद लेंगे।
ये देखिए ये एकदम स्ट्रेची डो बना है, इसके तीन हिस्से कर लेंगे अब हम। अब तीनों को हम राउंड कर लेंगे काउंटर पे रख के। पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने स्टील प्लेट लिया है, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और इसे साइड में रख देंगे। तब तक एक राउंडल को निकाल के इसे फ्लैट करेंगे, इसे उंगलियों से ही फ्लैट करेंगे, बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसमें। ये देखिए ये उंगलियों से ही बहुत अच्छा गोल हो जाएगा। कोशिश करें कि हर जगह इक्वल रहे और कोशिश करें कि इसे पतला ही रखें, क्योंकि बेक होने के बाद ये खुद मोटा हो जाएगा क्योंकि ये राइज करेगा थोड़ा। अब इसे प्लेस कर देंगे स्टील के प्लेट में जिसे हमने ग्रीस करके रखा था, और इसे अब फोक से प्रिक कर देंगे ताकि ये पिज्ज़ा फूले नहीं। प्रिक करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पिज्ज़ा सॉस और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर अब इसमें ऐड करेंगे वाइट सॉस और इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। यकीन मानिए ये वाइट सॉस डालने के बाद पिज़्ज़ा लग ही नहीं रहा था कि इसमें चीज़ नहीं है, अपीयरेंस और टेस्ट दोनों में। अब इसमें ऐड करेंगे हम टॉपिंग्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉर्न ऐड किया है। मैं तीन पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तीनों में अलग अलग टॉपिंग्स ऐड कर रही हूँ और इसके ऊपर थोड़ा और वाइट सॉस ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये फर्स्ट पिज़्ज़ा टॉपिंग के साथ रेडी है, अब इसे बस बेक करना है। तब तक दूसरा पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं। उसके लिए भी हम डो को हाथों से फैलाएंगे, एकदम पतला फैलाएंगे क्योंकि ये बेक होने के बाद खुद मोटा हो जाएगा राइज हो के। और इसे प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेंगे ग्रीस किए हुए पे और फोक से प्रिक कर देंगे। फिर उस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस और उसके बाद लगाएंगे वाइट सॉस और टॉपिंग्स। टॉपिंग्स में मैंने अनियंस डाला है। ये टॉपिंग्स के लिए मैंने अनियन को मोटा मोटा स्लाइस कर दिया और सारे स्लाइसेस को अलग अलग कर दिए। ऐसे ही आप अपने पसंद के टॉपिंग के साथ पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, ऐसे हम दूसरा पिज़्ज़ा भी बना लेंगे। सेम प्रोसेस से ये पिज़्ज़ा भी हम रेडी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे तीनों पिज़्ज़ा में अलग अलग वेजिटेबल्स यूज़ किया है। आप चाहें तो आप एक ही पिज़्ज़ा में बहुत सारे वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये रेसिपी बहुत काम आएगी अभी के टाइम पे क्योंकि हमें सारे सामान मिल नहीं पाते हैं, तो इस रेसिपी से आप कम सामान में घर पे आसानी से पिज़्ज़ा बना पाएंगे। अब ये थर्ड और लास्ट पिज़्ज़ा, इसमें मैंने टॉपिंग्स यूज़ किया है कैप्सिकम। कैप्सिकम को लंबा लंबा काट के इसको प्लेस कर देंगे ऊपर से, और इसके बाद भी हम ऊपर से वाइट सॉस डाल देंगे ताकि एकदम चीज़ी चीज़ी जैसा फील आए देखने में। चलिए अब हम इन्हें बेक कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रखा था, इसमें हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। इसे पकाएंगे करीब 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं हम अपना पिज़्ज़ा। ये देखिए ये बेक होके बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही हम सारे पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे और ये देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है हमारा पिज़्ज़ा। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।